दिल्ली में भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से लोगों का बुरा हाल। कई जगहों पर कई दिनों से पानी नहीं आया। लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के ओखला इलाके में भी पानी की भारी किल्लत है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के बसंत विहार में भी आई पानी की किल्लत, दिक्कत हो रही है। पिछले कई दिनों से पानी की कमी से लोग परेशान हैं। राजस्थान के बलोतरा में बड़ा हादसा टला। गाड़ी के नीचे आने से एक शख्स बचा। गाड़ी ड्राइवर की सूझबूझ से बाल बाल बचा शख्स। मुंबई के रामदास पेठ इलाके में हादसा। बारिश के कारण गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग की नींव। 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरी पार्किंग के लिए खड़ी कार। घटनास्थल से सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंची कंचनजंगा एक्सप्रेस। मरम्मत का काम होने के बाद सियालदह पहुंची ट्रेन। कल दार्जिलिंग में हादसे का शिकार हुई थी, 9 लोगों की मौत। हादसे के बाद दार्जिलिंग में रेल यातायात बहाल हुआ। कई घंटों तक बाधित रहा था रेल यातायात। लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर पर बैठक हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। झारखंड का जिम्मा शिवराज सिंह को दिया गया तो वहीं हेमंता बिस्वा सरमा को सह प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर मीसा भारती का पलटवार। कहा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। प्रियंका गांधी का उपचुनाव लड़ने पर बोले पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। कहा, प्रियंका गांधी का कद छोटा करने की कोशिश होती है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग शिविर का आयोजन। दिल्ली में एनडीएमसी ने किया योग शिविर का आयोजन। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। ज्येष्ठ महीने के आखिरी मंगलवार को हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा। यूपी के एटा में बेटे ने की मां की हत्या। जमीन के लिए की मां की हत्या के बाद आरोपी फरार। खेत में दफनाया शव। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। असम के उदलगुड़ी में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा में एसएसपी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं पुलिसकर्मी। रात में ड्यूटी के दौरान कूलर की ठंडी हवा में सोती नजर आई एटा पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में मारपीट हो गई। करीब 6 लोगों ने युवक की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में नौकरी देने के बहाने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के आरा में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी। गोली मारने के बाद हथियार लहराते फरार हुए बदमाश। यूपी के बहराइच में मोबाइल विक्रेता पर जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। यूपी के मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में पुलिसकर्मी और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट। सुरक्षा कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। राजस्थान के धौलपुर में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। हरियाणा के अंबाला में सीएम सैनी ने तीर्थयात्रियों की बस को रवाना किया। अंबाला से तीर्थयात्रियों को लेकर अयोध्या रवाना हुई बस।